उत्तराखंड के पहाड़ों के लोक वाद्य डौर और थाली पर ऊंचे सुर में जागर गीत लगाते दाढ़ी और पगड़ी वाले इन लोक कलाकार का ये वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है? जागर गीत लगाने वाले ये जागरी क्या सिख समाज से ताल्लुक रखते हैं? आखिर पहाड़ से जुड़े व्हाट्सएप के ग्रुपों में इस वीडियो की इतनी चर्चा क्यों हो रही है? इस वीडियो में आज इसी की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, लगभग एक मिनट का ये वीडियो कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत तेजी से शेयर हो रहा है। ये देखिए, इस व्हाट्सएप मैसेज में ऑटोमेटिक टैग लगा रहा है कि शेयर्ड मेनी टाइम्स, यानी बहुत बार शेयर हो चुका वीडियो। शेयर करने वाले इस बात पर हैरानी और चिंता जता रहे हैं कि अब पहाड़ की लोक विधा को बाहर से आए लोग अपना रहे हैं और हम छोड़ते जा रहे हैं। मैंने खुद भी कई व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐसी चर्चा देखी, लंबी चौड़ी बहस देखी, कई व्हाट्सएप फॉरवर्ड के जरिए ये वीडियो कहीं से कहीं पहुंच गया। ये उत्तराखंडी फोक की जागर शैली है। जागर देवताओं के आह्वान के गीत होते हैं, जिनमें इन जागरियों, जिन्हें की कुछ इलाकों में धामी भी कहते हैं, इनके द्वारा लोग देवताओं को बुलाया जाता है, उन्हें नचाया जाता है, उनसे अपनी मुसीबतों का हल पूछा जाता है। ये एक अद्भुत लोक गायन शैली है, इसलिए मैंने इसकी पड़ताल की कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कि हमारे पहाड़ की लोक विधा जागर पर कोई सिख समाज का कलाकार इतना पारंगत हो चुका है कि सब भौचक्के हैं। मैंने इस वीडियो को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर खंगालना शुरू किया तो मुझे इन व्यक्ति के जागर लगाते कुछ वीडियो और कुछ तस्वीरें मिल ही गईं। पड़ताल करते करते पता चला कि ये जागरी तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के कई इलाकों में बहुत मशहूर हैं। ये पौड़ी गढ़वाल जिले के कोट ब्लॉक की सितोनस्यू पट्टी के धमुंड गांव के रहने वाले हैं, जो कि पौड़ी देवप्रयाग रोड में सफदरखाल के पास स्थित है। इस जागर के मुख्य जागरी दाढ़ी वाले और पगड़ीधारी इन कलाकार को सिख बताया जा रहा है, लेकिन मेरी पड़ताल से पता चला कि इनका नाम राकेश सिंह है, जो कि सिख नहीं बल्कि गढ़वाली ही हैं, और उनके साथ डौर या डमरू पर संगत दे रहे हैं धमुंड गांव के ही देवी। मुख्य जागरी राकेश सिंह जो साज बजा रहे हैं, वो कांसे की थाली है, जिसे कि एक लकड़ी के बर्तन के ऊपर रखकर पहिया की लकड़ी के पतले सोटे या लाकुड़ से बजाया जाता है, उसे पाथा कहते हैं। पाथा के ऊपर थाली बजाने से पहले पाथा में
चावल भर दिए जाते हैं, जिससे उसकी ध्वनि, उसका नाद कुछ अलग हो जाता है। पाथा गढ़वाल में माप तौल की एक बहुत पुरानी इकाई होती है, जिसमें अनाज को मापा तोला जाता है। एक पाथा में लगभग 2 किलो अनाज आता है। आपको बता दूं कि घर के अंदर दौड़ थाली पर जो जागा लगता है, उसे पहाड़ में कई जगह गढ़ेला कहते हैं, जबकि घर के बाहर खुले आंगन में लोकवाद्य ढोल दमाओं पर लगने वाला जागर मंडाण कहलाता है। तो इस वायरल वीडियो के बहाने डोंड थाली, जागर, घड़ेला, पाथा से गुजरती हुई ये दास्तान आपको कैसी लगी, मुझे जरूर बताइएगा। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। कुछ अभी पैदा मेरा।